हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग सीखेंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग। इससे पहले मैंने एक चैप्टर पहला दो लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। अगर अगर आपने नहीं भी देखा है तो इस यहाँ से सीख जाइएगा आप। ओके, ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है कोडिंग एंड डिकोडिंग, वो आपको बैंक में देखने को मिलेगा। बैंक में बैंक एग्ज़ाम देते हैं तो 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आप मात्र 2 मिनट में बना लेंगे। ठीक है, 5 क्वेश्चन 2 मिनट, ठीक है। और ये एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है एसएससी में, आजकल पूछे जा रहे हैं एसएससी में कोडिंग एंड डिकोडिंग, और रेलवे में भी पूछे जा रहे हैं। ओके, तो अगर आप बैंक की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। ये बहुत इजी है, इसको मैं बता देता हूँ। चलिए, ये देखिए, इस तरह से कोडिंग देख रहा है। इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज फेसिंग प्रॉब्लम विथ इज कोडेड एज दिस, हेल्थ प्रॉब्लम ऑन राइज इज कोडेड एज दिस, दिस इज कोडेड एज दिस, दिस कोडेज इज डॉट दिस। एंड ये 5 क्वेश्चन है इस, ठीक है, इस पे आधारित 5 क्वेश्चन है। यहाँ पे थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो रहा है दिखने में, कोई बात नहीं, मैं बता दूँगा। चलिए, इस तरह को प्रॉब्लम को बनाते कैसे हैं, तो सबसे पहले आप देखिए, इस तरह को बनाएंगे आप। पहले मैं इजी तरह से बताऊँगा, क्योंकि आपको सीखना है, इसलिए मैं थोड़ा स्लो बताऊँगा। एक बार आप समझ जाएंगे अच्छे से, उसके बाद आप फास्ट खुद बना लेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फेसिंग, जो फर्स्ट लिखा हुआ है ना, फेसिंग प्रॉब्लम विथ हेल्थ, आप वैसे ही लिख लीजिए। ये यहाँ से एक क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ से हम लोग बनाते हैं। ये देखिए, जो फर्स्ट लिखा हुआ है फेसिंग प्रॉब्लम विथ हेल्थ, तो आप लिख लीजिए फेसिंग। ये पूरा नहीं लिखना, अभी मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको सिखाने के लिए, पूरा नहीं लिखना, बस एफ लिखना है, वो सीखते सीखते हम लोग करेंगे। ठीक है, फेसिंग पूरा लिख लीजिए, फेसिंग प्रॉब्लम विथ हेल्थ, विथ हेल्थ, ये हो गया पहला। ठीक है, आपने लिख दिया ये फेसिंग प्रॉब्लम विथ हेल्थ, ये पहला हो गया। दूसरा देखिए हम लोग, दूसरा क्या है, हेल्थ प्रॉब्लम ऑन राइज, तो यहाँ पे हेल्थ कहाँ पे है, यहाँ पे है हेल्थ, फिर प्रॉब्लम, प्रॉब्लम यहाँ है सेकंड लाइन में दे दीजिए, ऑन नहीं है इसमें, ऑन कहीं भी नहीं है तो ऑन आगे दे दीजिए। उसके बाद राइज है, राइज भी इसमें कहीं नहीं है तो अब आगे दे दीजिए, ये सेकंड लाइन भी ख़त्म हो गया। ओके, थर्ड लाइन में क्या है, अब राइज है, राइज के नीचे यहाँ पे कर दीजिए, विथ है, विथ देखिए यहाँ पर से आपको यहाँ है। उसके बाद एवरी, एवरी कहीं नहीं है तो आप आगे लिख दीजिए। फिर उसके बाद चैलेंज है, चैलेंज कहीं भी नहीं है तो आप चैलेंज आगे लिख दीजिए। ठीक है, पूरा नहीं लिखना है, बस सबको दिखा रहा हूँ सिखाने के लिए। फिर उसके बाद फेसिंग, ये थर्ड लाइन भी कंप्लीट हो गया। अब क्या है, फेसिंग, फेसिंग देखिए यहाँ है तो ये हो गया, चैलेंज कहाँ है, यहाँ है। उसके बाद ईच, ईच कहाँ है, यहाँ पर देखिए कहीं नहीं है तो आप आगे लिख दीजिएगा। उसके बाद डे, डे भी कहीं नहीं है तो आगे लिख देंगे। ठीक है, ये आपको फोर्थ लाइन भी ख़त्म। अब जैसे मैंने ये किया वैसे ही आप कोड का कर लीजिए। ये देखिए, कोडेड एज दिस, तो मैं पहला पहला का पहला लिख लीजिए पूरा, क्या ला हो का। ओके, फिर ये क्या, ये फर्स्ट लाइन कंप्लीट हो गया। उसके बाद हो के नीचे यहाँ पे देखिए सेकंड लाइन में, फिर उसके बाद मोह नहीं है, यही इसमें मोह नहीं है। फिर एल ए, एल ए यहाँ पे है। फिर टी ए, टी ए इसमें से नहीं है तो आप आगे लिख दीजिएगा, टी ए। ओके, उसके बाद क्या है, जेड आई, ये सेकंड लाइन कंप्लीट हो गया, जेड आई कहीं नहीं है तो आगे लिख देंगे। टी ए, टी ए यहाँ पे है। उसके बाद जी ए, जी ए। उसके बाद एन ई, एन ई कहीं नहीं है तो आगे। ये मैं एक एक देख के बता रहा हूँ, ऐसे नहीं करना, बस आपको देखना है क्यों ना कहाँ है, बस ऐसे जल्दी
फास्ट बनाना है। ओके, वो फास्ट बनाएंगे। अभी सिखाने के लिए मैं देखिए देखिए सारा लिख रहा हूँ ना, फेसिंग प्रॉब्लम, इसको बस फेसिंग का सिर्फ एफ देंगे, अगर दो वो एफ से स्टार्ट है तो एफ वन दे देंगे, ऐसे इस तरह से बनाएंगे। प्रॉब्लम को पी लिखेंगे, विथ का डब्ल्यू, इस तरह से बनाएंगे, क्योंकि फास्ट बनाना है ना आपको, आपको दो मिनट में बनाना है पाँच क्वेश्चन, इसीलिए अभी मैं सिखाने के लिए पूरा वर्ड लिख रहा हूँ। ठीक है, ये थर्ड लाइन भी कंप्लीट हो गया। अब फोर्थ क्या है, के आई, के आई देखिए कहाँ पे है, इसमें कहीं भी नहीं है तो आगे लिख देंगे। उसके बाद के ए, के ए कहाँ पे है, यहाँ है। उसके बाद जेड आई, जेड आई देखिए यहाँ है। उसके बाद पी ए, पी ए कहाँ, कहीं भी नहीं है इधर, तो आगे लिख देंगे। ये भी कंप्लीट हो गया। ये देखिए इतना कर लेना है आपको, जितना फास्ट हो सके आप लिख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि फास्ट जितना लिख सके उतना आपके लिए फ़ायदा होगा। चलिए उसके बाद, अब ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए मिला, ये यहाँ पे फोर्थ में देखिए, ये फोर्थ लाइन में दोनों अकेले हैं, यहाँ भी फोर्थ लाइन में दोनों अकेले हैं, तो ये हो जाएगा की और दोनों पा भी हो जाएगा। अब देखिए ये यहाँ पे फोर्थ लाइन में अकेला है, फोर्थ लाइन में ये अकेला है, तो ये नी हो जाएगा। ये देखिए थर्ड अ फोर्थ, थर्ड अ फोर्थ, ये है जेड आई, इसको भी मिला दीजिए ताकि आप, ये हो गया, ये हो गया। अब देखिए सेकेंड और थर्ड, सेकेंड और थर्ड, ये राइज है, टी ए एम ओ, ये अकेला है, सेकेंड में अकेला है, ये भी अकेला है, एम ओ। अब देखिए फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है, ये क्या है, जी ए, फर्स्ट और सेकेंड, ये फर्स्ट और सेकेंड हो, ओके, ये फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड, ये देखिए एल ए, के और ये फर्स्ट और फोर्थ, फर्स्ट और फोर्थ, ये का, ओके, ये देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट सेकंड है, फर्स्ट सेकंड ये भी है, तो ये भी दोनों हो सकता है। ओके, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पर मिस्टेक हो सकता है आपसे, फर्स्ट सेकंड है, ये भी फर्स्ट सेकंड है, तो ये इसका एच ओ भी हो सकता है, एल ए भी हो सकता है। तो उसके, चलिए क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका कंप्लीट हो गया इस तरह से। उसके बाद क्वेश्चन पे आना है, ये आपको मात्र डेढ़ मिनट में करना है, डेढ़ मिनट में जितना फास्ट लिख सकते हैं आप, हम ये बना सकते हैं। ओके, ये क्वेश्चन कर लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं, क्या लिखा, व्हाट विल बी द कोड फॉर टी ए, व्हाट विल बी द कोड फॉर टी ए, टी ए देखिए कहाँ पे है, ये तो की पा है, जेड आई एन ए टी ए, यहाँ पे देखिए राइज है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा राइज, ये आंसर हो जाएगा राइज। ओके, अब सेकंड आपको दिख नहीं रहा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोड फॉर फेसिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोड फॉर फेसिंग, फेसिंग कहाँ पे है, आप देखिए फेसिंग देखिए यहाँ पे है, फेसिंग देख रहे हैं आप, तो के ए, तो आंसर हो जाएगा के ए, के ए, ठीक है, के ए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोड फॉर फेसिंग, के ए, यहाँ देख सकते हैं आप। अब अगला क्या है, टी ए एन ए जेड आई कुड बी अ कोड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, टी ए एन ए, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, टी ए एन ए जेड आई, टी ए देखिए यहाँ पे राइज है, एन ए यहाँ पे कहाँ पे है, एन ए, एन ए, एन ए कहीं पे नहीं है, तो यहाँ पे कुछ दूसरा होगा। ओके, कोई एन, कोई अगर नहीं रहा है, इसमें नहीं मिलता है ना, तो कुछ दूसरा वर्ड भी होगा इसमें लिखा हुआ। और जेड आई देखते हैं क्या है, जेड आई, जेड आई आपको चैलेंज, देखिए राइज और चैलेंज और कुछ दूसरा वर्ड होगा, देखते हैं, हेल्थ राइज चैलेंज, हेल्थ तो है इसमें, तो देखिए एवब, एवब तो नहीं था, यहाँ दूसरा वर्ड लेके आया है ये,
तो ये आंसर हो जाएगा यहाँ पे एबव, क्योंकि एबव तो इसमें नहीं है ना, आपको इसमें नहीं है, नया वर्ड लाया यहाँ पे, नया भी कोड भी लाया, तो अब नया होगा राइज एबव चैलेंज, राइज एबव चैलेंज। ओके ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ओके आप समझ रहे हैं, ये देखिए टी ए है ना, टी ए फिर एन ए तो नया लाया है, जेड आई चैलेंज, एक सेकेंड, ओके ये भी है, ये बी है, ओके ये आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हो की गा कुड बी अ कोड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, हो की गा, हो की गा, हो की, तो यहाँ इसमें से ईच और डे दोनों हो सकता है, और क्या है गा, गा मतलब विथ, देख रहे हैं गा मतलब विथ, और हो मतलब हेल्थ, इसमें हेल्थ नहीं है तो ये तो क्रॉस गलत हो गया, चैलेंज भी इसमें नहीं है कोई, ये भी गलत हो गया, प्रॉब्लम एवरी डे, प्रॉब्लम भी नहीं है, ला तो है ही नहीं, ये गलत हो गया, तो आंसर ये आएगा, ओके विथ हेल्थ डे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, व्हाट कुड बी द कोड फॉर हेल्थ इन द गिवन लैंग्वेज, तो इसका आंसर क्या होगा, व्हाट विल बी द कोड फॉर हेल्थ इन द गिवन लैंग्वेज, मैंने क्या बताया था, देखिए हेल्थ, हेल्थ पे एच ओ भी है और एल ए भी है, क्योंकि यहाँ फर्स्ट सेकंड है, यहाँ फर्स्ट सेकंड दोनों, मतलब एच ओ भी हो सकता है एल ए भी हो सकता है, एच ओ भी हो सकता है एल ए भी हो सकता है, तो ये तो डिटरमाइन कर ही नहीं सकते, दो क्वेश्चन आंसर थोड़ी मार सकते हैं, तो इसमें ऑप्शन भी दिया हुआ है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो ये आपका आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ओके ये आपका आंसर, ये समझ में आया आपको, अगर नहीं समझ में आया तो एक और क्वेश्चन लेता हूँ, चलिए ओके।